हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स अस 2 टाइम्स HI हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज़ गिवन केमिकल इक्वेशन विच इज़ बैलेंस्ड। एट द सेम टाइम वी हैव गिवन 0.2 ग्राम्स हाइड्रोजन, 2.54 ग्राम्स आयोडीन एंड 2.56 ग्राम्स हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट? These are the masses of these substances present in the chemical reaction, and these given masses are at equilibrium, right, in a 1 liter vessel, right? So calculate Kc, equilibrium constant at concentration, and equilibrium constant at constant pressure, right? We have to calculate Kc and Kp for the reaction. Given atomic mass of hydrogen is 1 and iodine is 127, right? So how we solve this question, hum is question ko kaise solve karenge? Dekhiye bachcho, solution likhte hain. At equilibrium jo hai baat ho rahi hai hamare paas, to humne likh liya at equilibrium, at equilibrium humne likh liya. सबसे पहले हमें मासेस गिवन हैं तो हमको मोल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपान में होता है मोलर मास, ठीक है? ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला, राइट? अगर हम अब जो है मोल्स फाइंड करना चाहते हैं हाइड्रोजन के लिए, राइट? हाइड्रोजन के लिए हम जो है नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का? 0.2 ग्राम्स, क्वेश्चन में गिवन है। अपान मोलर मास जो है, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, राइट? और ये वैल्यू हमारे पास 0.1 आ जाएगी, राइट? नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड करना चाहते हैं आयोडीन के लिए, राइट, तो गिवन मास क्वेश्चन में है 2.54 डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है, 1 आयोडीन का 127 है, तो 2 आयोडीन्स का डबल हो जाएगा, कितना होगा हमारे पास वो 254। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.01, राइट? एट द सेम टाइम अगर हम जो है मोल्स फाइंड करना चाहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, तो इसका गिवन मास जो है क्वेश्चन में 2.56, और हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर हम जो है मोलर मास देखें तो आयोडीन का 127 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 128 हो गया हमारे पास, राइट? और ये वैल्यू सॉल्व करके 0.02 हमारे पास आंसर आएगा, राइट? मोल्स हमारे पास फाइंड हो गए, हमको केसी फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, सो नाउ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था सी एन अपान वी होता है, राइट? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एन अपान वी बताऊँ तो वी हर जगह 1 लीटर है, राइट? तो 0.01 हो जाएगा कंसंट्रेशन, 0.02 हो जाएगा कंसंट्रेशन, इसी तरीके से हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0.1। तो ये कंसंट्रेशन के वैल्यूज़ हमारे पास आ गए, राइट? ये हमारे पास कंसंट्रेशन के वैल्यूज़ आ गए। अब हम जो है केसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन गिवन है, केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये HI प्रोडक्ट था और कोएफिशिएंट वहाँ 2 था, पावर रेज करेंगे अपान में
रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ एच टू और कंसंट्रेशन ऑफ आई टू, राइट। तो अब हमारे पास एच आई की जो कंसंट्रेशन है 0.02 का होल स्क्वायर अपान में एच टू का वैल्यू जो हमारे पास आया 0.1, राइट, और आई टू का वैल्यू हमारे पास आया 0.01, राइट। तो अब हम इसे जब सॉल्व करें केसी 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 अपान में 0.1 मल्टीप्लाई 0.01, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मैथमेटिकली वी विल गेट 4 अपान में 10 और ये वैल्यू 0.4 है हमारे पास, राइट। अब हमें केसी का वैल्यू तो मिल गया है, केपी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रिलेशन जो है जानते हैं केपी इक्वल केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, राइट। ये फॉर्मूला है केपी और केसी के रिलेशन में। तो डेल्टा एन जी दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस स्टेट, डेल्टा एन जी अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो देखिए केमिकल रिएक्शन में ये भी हमारे पास गैसियस में है और रिएक्टेंट्स भी गैसियस में है। यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, 2 माइनस 2 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास जो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी डेल्टा एन जी की, प्रोडक्ट्स भी 2 मोल्स है, रिएक्टेंट्स भी 2 मोल्स है, 0 आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास, राइट। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया हमारे पास 0, राइट। देयरफोर जो के पी है इज इक्वलेंट टू के सी आर टी पावर 0, और हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं एनी थिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वलेंट टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास के पी इक्वलेंट टू के सी के बराबर हो जाएगा, और के सी का वैल्यू जो है वही के पी का वैल्यू आएगा, तो के पी का वैल्यू भी हमारे पास 0.4 आंसर है। इस तरीके से आप केपी केसी को वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस गिव्स एमोनिया, राइट। 2 मोल्स हैं ये 3 and 1, 4 मोल्स हैं, राइट। तो 1 मोल जो है नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और हमको जो है 2 मोल्स एमोनिया मिलता है, और ये रिएक्शन जो है 4 लीटर वेसल के अंदर जो है हो रही है, राइट। और 25% नाइट्रोजन रिएक्ट कन्वर्ट कर जाता है, 25% नाइट्रोजन जो है ये रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन के साथ और हमें अमोनिया मिलता है। तो केसी का वैल्यू इन्होंने हमें बताया है फाइंड करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये गिवन रिएक्शन लिखनी है बैलेंस्ड फॉर्म में, N2+3 times हाइड्रोजन gives us 2 times अमोनिया, राइट। इनका फिजिकल स्टेट जो गिवन है वो हमको लिख लेना है, राइट। अब देखिए अब हम क्या यहाँ से आगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो हमें माइंड में रखनी है। जैसे इन्होंने कहा है कि 25% नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, 75% रिएक्ट नहीं करता, राइट। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, राइट, और हमें 2 मोल्स मिलते हैं अमोनिया के। लेकिन मान लीजिए जब टाइम 0 है,
राइट, उस वक्त हमारे पास जो है नाइट्रोजन के 1 मोल हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। अभी टाइम ज़ीरो है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बना है, वो ज़ीरो है। राइट, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब टाइम ज़ीरो है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट है, प्रोडक्ट अभी ज़ीरो है। अब मान लीजिए जब टाइम हमारे पास इक्विलिब्रियम का टाइम पहुंच जाए, टी इक्वल टू टाइम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस वक्त जो है एक्स मोल जो है नाइट्रोजन रिएक्ट कर जा रहा है, राइट, तो 1 माइनस एक्स लिख लेंगे, राइट, और यहाँ पे 3 मोल्स हैं, 3 माइनस, राइट, अगर एक नाइट्रोजन एक एक्स नाइट्रोजन के साथ एक एक्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, एक मोल के साथ हाइड्रोजन 3 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, एक मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो एक एक्स के साथ 3 एक्स इस तरीके से, राइट। अगर 1 मोल के साथ 3 मोल है अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, तो अगर एक्स मोल रिएक्ट कर जा रहा है तो यहाँ से जो है एक एक्स के साथ 3 एक्स रिएक्ट कर जाएंगे, राइट, और आगे जो है 2 एक्स फॉर्मेशन होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से एक्स कम हो रहा है और आगे एक एक्स बन रहा है। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो अगर माइनस एक्स किया तो यहाँ पे 2 एक्स आ जाएगा हमारे पास, राइट। और 25, ये एक्स जो है ये 25% के बराबर है, राइट, तो 25% मीनिंग 25/100, और 25/100 क्या होता है, 0.25 के बराबर होता है, राइट। तो 1 माइनस 0.25, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.25, 2 मल्टीप्लाई 0.25, राइट, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आएगी। अब देखिए 1 में से हम 0.25 वैल्यू सेपरेट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा 0.75, राइट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.25, राइट, और इसे हम इसी तरीके से रखेंगे, राइट। अब अगर हमें केसी फाइंड करना है तो केसी के लिए क्या चाहिए हमको, कंसंट्रेशन चाहिए, केसी के लिए हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, 4 लीटर वेसल में रिएक्शन हो रही है, तो यह आ जाएगा 0.75/4, 2.25/4, 2 × 0.25 × 4। अब लिखिए केसी, लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो केसी क्या हो जाएगा, देखिए अमोनिया पावर 2/ हाइड्रोजन और N2, राइट, और हाइड्रोजन पावर 3 है इक्वेशन में, राइट, तो ये इस तरीके से। अब देखिए NH3 का जो वैल्यू है दैट इज़ 2.025/4 का होल स्क्वायर, ये अमोनिया अपान में H2 कितना है, 0.7, H2 का वैल्यू जो है हमारे पास ये है 0.75/4, राइट, H2 का वैल्यू ये N2 का वैल्यू है, राइट, और H2 का वैल्यू हम आगे लिख रहे हैं 2.25/4 का होल क्यूब। जब इसे आप मैथमेटिकल सॉल्व करें, राइट, तो ये हमारे पास जो केसी का आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 10/3 रेज टू पावर 7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे केपी और केसी के रिगार्ड्स में, हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो
आप इस वीडियो लेक्चर को सुनेंगे। ओके, थैंक यू।